আপনার কাছে টাকা নেই, আপনি 1000টা টাকা নিন, 1000 টাকা জোগাড় করে একটা কেটলি কিনুন আর কয়েকটা মাটির ভাঁড় নিন। সাথে কিছু বিস্কুট নিন, আস্তে আস্তে বাড়বে। প্রথম দিন আপনি বিস্কুট নিলেন, প্রথম সপ্তাহে, তারপরে সপ্তাহে মাকে বললেন, মা একটু ঘুগনি তৈরি করে দাও, তারপরে সপ্তাহে একটু তেলে ভাজা করলেন, একটা টুল আর একটা টেবিল নিয়ে বসলেন। এই তো পুজো আসছে সামনে, দেখবেন লোককে দিয়ে কুলোতে পারবেন না, আজকাল এত বিক্রি আছে। নমস্কার, আকাশ বাত কর রহা হুঁ, কেসে হ্যাঁ আপ? হ্যাঁ ভাইয়া, না টুল লেনা হ্যাঁ, না কেটলি লেনা হ্যাঁ। अपने गारमेंट का बिज़नेस चालू करो। बेसिकली होता कैसा है कि हर जगह अभी लोगों के पास जॉब नहीं है, किसी के पास काम नहीं है। हाँ, और दीदी हमारा कितना अच्छा आइडिया देती है, लेकिन ये जो आइडिया है इसमें नुकसान होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि ये एक हो गया सीजनेबल बिज़नेस कि आज भैया दुर्गा पूजा लग रहा है तो आप ये केतली आज घुगनी लेकर के काम कर रहे हो, बट उसके बाद क्या? और उसके बाद में भी क्या है कि ह्यूज कंपटीशन वगैरह है, वो माल अगर ख़राब हो गया तो दूसरे दिन काम नहीं आएगा और पूरा नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अपना गारमेंट का बिज़नेस चालू करो। भैया 12 महीना यहाँ पे माल बिकता है। हाँ, ये बात अलग है, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग प्रिंट, क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो आपको सीखना पड़ेगा। एक बात समझो, अपने अंदर का वाई ढूंढो। वाई, आप कोई भी काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उससे करने से फ़ायदा क्या होगा। जिस दिन आपको उसका वाई का आंसर मिल जाएगा ना, आप बिना रुके बिना थके बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। एक बात समझना, अगर दो बिल्डिंग का एक पुल है, दो बिल्डिंग के बीच में मैंने एक वो लगा के दिया आपको, काट लगा के दिया, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा भैया 10,000 रुपये देता हूँ, ठीक है, आप चढ़ जाओगे क्या, चलोगे क्या, आप चाहोगे? हाँ भैया जाएंगे, 10,000 में इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक 10 माले की बिल्डिंग है, यहाँ पे 10 माला, यहाँ पे 10 माला, बीच में एक पतला सा पट्टी बना दिया है, हाँ आप जाओगे? नहीं, नहीं जाओगे। 10,000 देता हूँ, 20,000 देता हूँ, नहीं जाओगे। अभी मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, उसके बाद आप फ्री में जाओगे। अगर मैं बताऊं कि वहाँ पे आपकी बेटी अटकी हुई है, उस दूसरी बिल्डिंग में आग लगा हुआ है, तब आप जाओगे? हाँ, क्यों जाओगे भैया? हाँ, क्योंकि वाई पता चल गया कि ये करने से मेरे को ये फ़ायदा मिलता है। तो अपने बिजनेस में भी ऐसा वाई ढूंढो भैया, आपको करने से क्या फ़ायदा होगा। पहले अपना गोल सेट करो भैया, गोल सेट करो। गोल क्या होता है भैया? वो कॉपी पेन वाला गोल नहीं। आज आप कहाँ पे हो, हाँ आपको जाना कहाँ है, अरे कैसे जाएंगे? मतलब अभी आप अगर मान लो एक रिटेलर हो, आपको होलसेल का काम करना है, होलसेलर करना नहीं करना है, आप एक रिटेलर हो, आपको होलसेलर का काम करना है, कैसे जाएंगे भैया? सही दाम में सही प्रोडक्ट लेकर के आना पड़ेगा, सही से मार्केट में घूमना पड़ेगा, मार्केट को सर्वे करना पड़ेगा, तब क्या है आपको रास्ता पता चल जाएगा भैया क्या करना है। अभी क्या कर रहे हैं भैया, एक ट्रेन का टिकट में आप चढ़ गए, आपको पता ही नहीं है कि आपका स्टेशन कौन सा है, ट्रेन चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो ये आपके लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है, दुकान पर बैठते हैं, काम करते हैं, पता नहीं है जाना कहाँ है, बस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो अपना बिजनेस का वाई ढूंढो। आज का वीडियो काफी स्पेशल है, आज बात करेंगे जितना भी भैया नाइटी का कलेक्शन है, खास करके बंगाल में काफी ह्यूज डिमांड रहा है, जितनी भी हमारी दीदी है, बौदीज है, काफी लोग प्यार करते हैं, बंगाल का हमारा स्पेशल चैनल है, काफी बंगाल वाले लोग से डेली कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि भैया बंगाल वाले लोग बगल वाले हैं, लोकल में वो डेली आ जाते हैं, मिलना भी होता है। बेलगड़िया से आपका क्या नाम है, बर्धवान, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, कंटाई, बीरभूम, हाँ वहाँ पे काफ़ी लोग हैं वहाँ के जो छोटा छोटा से बिज़नेस चालू कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा बर्धवान के हमारे कुछ कस्टमर हैं जिन्होंने हमसे माल ले जा करके बहुत ही छोटे रूप में चालू किया था, आज वो क्या करते हैं पता है, वो दुकान में काम नहीं करते भैया, वो ठेला वाले लोग हैं या आगे माल सप्लाई कर देते हैं भैया, खाली बैठ करके कैश गिनते हैं, सुबह आता है वो लोग उनको माल देते हैं, रात को आते हैं उनसे पैसा ले लेते हैं, या जो बचा हुआ इन्वेंट्री है वो ले लेते हैं। कोई भी बिल्डिंग बनती है ना तो शुरुआत बड़ी छोटी छोटी सी होती है भैया। हाँ, बच्चा जब बड़ा होता है उसका डायरेक्ट जंप कर लेता है क्या, करता है क्या? नहीं करता ना, धीरे धीरे चलता रहता है। बाद में वही बच्चा, हाँ उसको कितना भी दौड़ा लो वो दौड़ लेगा। वैसे ही आपका व्यापार है, स्टार्टिंग मत सोचो यार ये छोटा है बड़ा है कैसा है, मैं चालू करूँगा होगा। देखो आज भी पैसे नहीं है, पैसे कल भी नहीं रहेंगे, शुरुआत करना पड़ेगा। और इतिहास गवाह है, गारमेंट का बिजनेस अंबानी हो अडानी हो, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग उनका
टेक्सटाइल से हुआ है, गारमेंट के बिजनेस से हुआ है, तो आप भी अपना बिजनेस को चालू कर सकते हो। उस चैनल पे अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी सारा अच्छा अच्छा वीडियोस आता है। भैया खाली प्रोडक्ट नहीं दिखाते हैं, काफ़ी कुछ बताते हैं, काफ़ी कुछ शेयर करते हैं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में सारा का सारा क्या है भैया, खुली किताब है, कोई भी आओ पढ़ के चले जाओ। तो नाइटी का जो भी कलेक्शन है 74 से चालू होता है और हमेशा बिकने वाला आइटम है, गोल गला, वी गला, बटन वाला, प्रिंट वाला, एम्ब्रॉयडरी वाला सारा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भैया महंगा है, भैया भला है, बुरा है, जैसा भी है ऐसा ही है। इस प्रकार का देखिए पूरा कलेक्शन रहेगा ओनली 75। भैया ये माल सस्ता वाला माल है, जिसका काउंटर अच्छा है वो उसको मत लेना, ये तो नुकसान हो जाएगा। बढ़िया काउंटर में भैया बढ़िया माल बिकता है। देखिए हमारे पास सस्ता महंगा दोनों है, तो दोनों दिखाते हैं। ये देखिए 75 ऐसा बंडल रहेगा भैया। बात है गाजर मूली आसाम में, हाँ आसाम से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अखोमिया मानूँ और अखोमिया गोम पाऊँ, तो ये आसाम में काफ़ी बिकता है, तिनसुकिया में, डिब्रूगढ़ में, दुमदुमा में, टीओक में, जोरहाट में, काफ़ी ह्यूज डिमांड है ये सब आइटम का। ये देखिए 95, ये पूरा 95 का कलेक्शन है। अभी हाथ कटा बिकता है? नहीं भैया अभी हाथ कटा नहीं बिकता, अभी कैसा विंटर वगैरह रहेगा तो ये दिखा रहे हैं। और इस प्रकार का देखिए 105, काफ़ी सारा ह्यूज कलर, ह्यूज प्रिंट वगैरह मिल जाएगा। ये देखिए 125। जितने भी पुराने कस्टमर हैं, जो भैया अप्रैल के बाद से कभी ना कभी ऑफलाइन में माल लिया होगा या ऑनलाइन में माल लिया होगा, भैया रेडीमेड वाला में आपको ना कैशबैक मिल जाएगा, वॉलेट में जाइएगा तो आपको वहाँ पे ऑफ़र वगैरह मिल जाएगा। वो जितने हमारे जो कस्टमर्स हैं ना, उनको हमने दे दिया है उनका एप्लीकेशन, जो नंबर आपने हमें दिया था तो उसमें वो आपको मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर उसका यूज़ कीजिएगा। नवंबर 25 के साथ बाद में लैप्स हो जाएगा वो, तो अगर उसको यूज़ करना है तो उसको आप यूज़ कर लीजिएगा। 132 रुपया। और अंडमान से कोई वीडियो देख रहे हैं भैया, अंडमान वाले भैया एक बात समझना, सस्ता वाला जो ट्रांसपोर्ट बोल रहे थे उसका भी चल रहा है अभी, अंडमान में भी काफ़ी सारा हमारा माल वगैरह जाता है, तो सस्ता वाला ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाएगा, अपने सेल्स टीम से कॉल कर लीजिएगा। ये देखिए 150 रुपया, ओनली 150, 165। काफ़ी सारा वैरायटी वगैरह है, नाइटी वगैरह कैसा है कि दुकान में हमेशा बिकने वाला आइटम है। ये देखिए इस प्रकार का पूरा बंडल रहेगा, साइज़ वगैरह पक्का रहेगा, 185 ओनली 180। कोई भी बिजनेस अगर चालू करते हैं ना तो शुरुआत क्या है, छोटी होती है, लेकिन धीरे 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 बढ़ता रहता है। 127, ये पूरा कलेक्शन वगैरह रहता है, और भी आपको दिखाता हूँ। 195, क्या KGF एक बहुत ही शानदार डायलॉग है, सुनना चाहोगे? एक ही जंग जीत पाओ, सारे लोगों ने आप के सामने खड़े हो तो बहुत शानदार है। इसका मतलब समझिए, अगर आप कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आप जितने लोगों को जोड़ते जाओगे उतना आपकी कम्युनिटी बड़ी होगी। पहले बिज़नेस अलग था, अब बिज़नेस सोशल मीडिया पे हो गया है, लोगों को जोड़ना सीखिए। अगर देखिए एक बात समझिए, अगर आप कोई भी माल हमसे लेकर के जाते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो भैया, होलसेल कर सकते हो, रिटेल कर सकते हो, हाँ आप उसको रीसेल भी कर सकते हो। रीसेल कैसे होता है भैया, देखो एक बात समझो, आपने हमसे बल्क में स्टॉक ख़रीदा एकदम कैश में, अगर कोई अगर वो आपसे आपके आकर के माल ले तो उसको एकदम बेस्ट के बेस्ट रेट में दे दो। इससे क्या होगा कि आपका परचेज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, परचेज़ बहुत सारा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जनरली मान लीजिए आप 100 रुपये में, 150 रुपये में कोई भी माल लेकर जाते हैं, 5-10% में अगर मार्जिन करते हो, और इस तरीके से अगर आपने कम्युनिटी बिल्ड कर दी कि आप लेकर के जा रहे हो और 4 लोगों को आपने सप्लाई कर दिया, वो और आगे बेच रहे हैं, वो और आगे बेच रहे हैं, तो इससे काफ़ी जल्दी आपका बिज़नेस ग्रो होगा। तो अगर आप में हिम्मत है तो, क्या था डायलॉग क्या था सर, हाँ अगर आप में हिम्मत है तो 1,000 लोगों को आप अपने पीछे में जोड़ लीजिए, बाद में कम्युनिटी बढ़ती जाएगी। चालू आपको अकेले से ही करना पड़ता है। ये देखिए पूरा कलेक्शन रहेगा 150 रुपये, ये 142 का रेंज का, काफ़ी सारा ह्यूज स्टॉक मिल जाएगा इस पर भी, काफ़ी सारा ह्यूज कलेक्शन वगैरह है। ज़्यादा डिटेल में जानना है तो भैया गूगल वाले भैया से पूछिएगा एड्रेस, तो गूगल वाले भैया आपको लेकर के आ जाएंगे।
और रेडीमेड वाला ऐप है उसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे प्ले स्टोर में जा करके कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, बिजनेस को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो, बेझिझक भैया चैनल किसका है, चैनल आपका, जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, इसका रिप्लाई आएगा। अपना आशीर्वाद बना के रखिए, अपना प्यार बना के रहिए, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, अपना और अपने व्यापार का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।